मैडम जी सब ठीक है ना? क्या लिखा है चिट्ठी में? थैंक यू। क्या मैडम जी, बेटा भी बोलते हो और थैंक यू भी, ये दोनों ना मैच नहीं हो रहा। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ चिट्ठी वहाँ से अब तक पहुँचाई है, बस इसमें थैंक यू क्यों? मैंने थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि ये चिट्ठी मुस्कान ने नहीं बल्कि तुमने लिखा है। अगर ये चिट्ठी मुस्कान ने लिखी होती तो आपकी मुस्कान नहीं आपकी वसू लिखती। सॉरी मैडम जी। बेटा जैसा काम करते हो और सॉरी मैडम जी भी कहते हो, ये दोनों भी मैच नहीं करता है ना। आज से तुम मुझे मैडम जी नहीं मासी कहोगे, ठीक? मैं बेटे सा और आप मासी, हाँ ये एकदम ठीक मैच करता है। अब आज से मैं आपको मासी बुलाऊंगा। लेकिन मासी अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मैंने जो इसमें लिखा है आपकी मुस्कान भी यही लिखती है ना, इसीलिए अगर आप यहाँ खुश रहोगे तो मुस्कान भी वहाँ खुश रहेगी। अभी आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप कभी उदास नहीं होंगे। प्रॉमिस तो नहीं कर सकती लेकिन आप कोशिश जरूर करूंगी। ओके मैं चलता हूँ, बाय। प्रॉमिस करती हूँ मम्मा कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और इंग्लिश में किटर पिटर भी करूंगी और हमेशा स्माइल भी करते रहूंगी। आप जल्दी से आ जाओ ना, उसके बाद हम साथ साथ स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे और जैसे आप मुझे हिंदी में कहानियाँ सुना दी थी वैसे ही मैं आपको इंग्लिश में सुनाऊंगी। अच्छा हुआ कि भगवान ने हमारी सुन ली, मुस्कान को जरा से भी शक नहीं हुई। लेकिन मुस्कान तुम पढ़ोगी कैसे? तुम्हारी बुक्स का तो कल्याण कर दिया मेरी कल्याणकारी मम्मी ने। तो पता नहीं कहाँ से लाऊंगी बुक्स, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं पढ़ूंगी, खूब मन लगा के पढ़ूंगी क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है। क्यों रे लड़की, तुझे पता चल गया तेरी सती सावित्री माँ सुपर मॉम है या वो एक नाचने वाली है? यही कहना चाहते हैं ना आप अंकल कि मेरी मम्मा डांस करती है और उनका डांस पूरा है? और नहीं तो क्या? फिर तो आप भी बुरे हुए ना अंकल। मम्मा कहती है कि अच्छे काम करने वाले अच्छे आदमी, बुरे काम करने वाले बुरे आदमी। तो आप पे ही मम्मा का डांस देखने आते हैं और उनका डांस आपको बुरा लगता है, फिर आप भी बुरे हुए ना अंकल। बुरा डांस देखने वाले आदमी को भी बुरा आदमी बोलेंगे ना? बोलिए ना अंकल, मैं सही बोल रही हूँ ना, आप बुरे हुए ना। मुस्कान को बार बार ये सब झेलना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि कम से कम मैं उसके लिए बुक्स तो ला पाऊँ। उन्हें बड़ी तकलीफ है ना मुस्कान से, अब यही मुस्कान की तकलीफ दूर करेंगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम नहीं, वो चाहिए। कहाँ गई ये आरती? उन्हें उसे आने के लिए बोला तो था ना? बोला तो था उसको मालिक, पर उसका क्या भरोसा, वो इधर आके नाचेगी भी नहीं। अगर इस बार उसने कोई नखरे किए ना तो नाचने के लिए तो क्या, चलने फिरने के लिए भी टांगे नहीं बचेंगे उसकी। देखो आरती, तुमने आज कोई नखरा दिखाया ना तो नखरे दिखाने के लिए तो आपने हमें यहाँ रखा है ना? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद मेरे नखरों से आपको तकलीफ नहीं
बल्कि सिर्फ खुशी ही होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ गई। इसी में तुम्हारी और मेरी भी खुशी है, समझे तुम? अब खुश रहना मेरी चाहत तो ना सही, लेकिन मजबूरी जरूर है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, आज यहाँ से सब लोग खुश होकर ही जाएंगे। छोटे छोटे हाथ और इतना बड़ा काम? नहीं अंकल, वो गलती से मेरा हाथ उधर तक पहुंच गया था। मेरा हाथ भी गलती से पुलिस को फोन लगा सकता। सॉरी अंकल, वो मैं किसी की मदद कर रहा था। अगर किसी की हेल्प करनी होती है तो सही तरीके से करते हैं, गलत तरीके से नहीं। ये लो। नहीं अंकल, ठीक है। इसी के लिए तुमने मेरे बटुए पर हाथ डाला था ना? इसके लिए नहीं अंकल, मेरी फ्रेंड के लिए। हाँ, वो पढ़ना चाहती है मगर उसके पास किताबें नहीं है। मुझे उसकी किताबों के लिए पैसे चाहिए थे। क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? मेरी फ्रेंड का नाम है, हमारे घर खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। शुक्रिया। अरे हुजूर, शुक्रिया तो आपका है। खुशामदी, आइए। अरे हुजूर, उस तरफ कहाँ। वीआईपी लोगों के बैठने की जगह भी वीआईपी होती है। इस तरफ आइए। चमक भी दिख रही है, दमक भी दिख रही है, आरती नहीं दिख रही। वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है, आप उसे छोड़िए ना, महफिल का मजा लीजिए। खास आपके लिए दुल्हन की तरह सजाई है ये महफिल। बहुत खूब, आज तो तुमने महफिल ही लूट ली। आरती की वजह से अब से आपको गाली नहीं, सिर्फ तारीफ सुनने को मिलेगी। अरे ये क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ ये रंग मजबूरी का रंग है, लेकिन जहाँ मजबूरी होती है ना, वहीं उम्मीद भी होती है। यहीं पास में एक मंदिर है, मैं हर हफ्ते वहां जाती हूँ। तो कहते हैं उसकी चौखट से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, हर मनोकामना पूरी होती। अच्छा, मेरे पास तो कुछ मांगने को बचा नहीं, लेकिन हाँ तुम अपनी बच्ची की शुभकामनाएं मांग सकती हो। लेकिन ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। जाने देंगे, ये लोग जानते हैं कि जब तक तुम्हारी बच्ची उनके कब्जे में है ना, तुम कहीं नहीं भागने वाली। पर ये लोग ये नहीं जानते कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ भगवान की सोच शुरू होती है। इधर आओ।
आपके बगीचे में नन्ही सी तितली कहाँ से आ गई? कौन है? इस मुस्कुराती हुई तितली का नाम भी मुस्कान है। अंकल, आप मेहमान है ना, मैं आपके लिए पानी लाऊं? मैं सीख गई हूँ। जरूर। मुस्कान, इधर आओ। कसम से, इस भयंकर औरत की वजह से ना मुझे अपने औरत होने पे शर्म आने लगी। कैसे कैसे काम करवा रही है मुस्कान से, उनको जरा भी शर्म नहीं आती। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। थक गई होगी ना, जा हाथ मुंह धो ले, खाना खाते हैं। अरे मुसु, चलो तो सही, पहले बताओ ना तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम सवाल बहुत करती हो, लगता है बड़ों की टीचर ही बनोगी। अरे तुम जवाब देते ही नहीं हो, तो तुम अच्छे स्टूडेंट कैसे बनोगे? पढ़ लिख के पहले तुम टीचर तो बन जाओ, फिर मुझे अच्छा स्टूडेंट बनाना। अब चलो मेरे साथ। तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया? फिर एक सवाल, रुको ये देखो। सुजॉय, मगर इतनी सारी बुक्स तुम कहाँ से लाए? अरे तुम आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम के कप मत गिनो। देखो तो सही, मैं सब किताबें लेके आ गया। सुजॉय, पहले बताओ ना इतनी सारी बुक्स तुम कहाँ से ले, इसके पैसे कहाँ से आए? ये तो सुजॉय के दाएं हाथ का खेल है, सिर्फ दो चार लोगों की पॉकेट मारी और हो गया काम। वेरी बैड सुजॉय, मम्मा कहती है चोरी करना बुरी बात है। लेकिन किताबें पढ़ना तो अच्छी बात है ना, तुम पहले किताबें पढ़ो फिर मुझे भी समझा देना कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। वाह अम्मा वाह, आखिरकार आपने मुस्कान को इस लाइन पर लगा ही दिया। और फिर अम्मा, वो आपके खास मेहमान को जिस तरीके से उसने पानी दिया, वाह अम्मा, पटरी पर ला दिया आपने लड़की को। अब जिसके इंजन की बागडोर मेरे हाथों में हो उसकी गाड़ी तो पटरी से कभी उतर ही नहीं सकती है। देखना बस ये है कि अब कभी उसके हाथ में किताबें ना आने पाए। हाँ माँ, अगर उसके हाथों में किताबें आ गई ना तो आप उसे वो पाठ नहीं पढ़ा पाएंगी जो आप पढ़ाना चाहती हैं। मानता हूँ कि मैंने गलती किया, लेकिन मेरी गलती से ज्यादा जरूरी तेरी पढ़ाई है ना, इसलिए मैंने ये किया। अब तू भी वही कर जो तेरी मम्मा चाहती है। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, बस इतनी किताबें मेरी काम की, बाकी सारे बड़े लोगों की। अच्छा, तुम गलती से बड़े लोगों की किताबें उठा कर लाए हो। तो एक काम करो, तुम कुर्सी पे खड़ी होके पहले बड़ी हो जाना, सारी किताबें पढ़ लेना। अरे पुत्तू, बड़े होकर किताबें नहीं पढ़ते, किताबें पढ़ के बड़े होते। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मुझे समझ में नहीं आती है। मैं तो सिर्फ पुरानी किताबों की दुकान पे गया था और जिन जिन पे अच्छे चित्र बने थे उन सबको उठा लाया। अब मुझे क्या पता था कि कौन सी बड़ों की है और कौन सी छोटों की है। सॉरी मुस्कान। अरे सुजॉय, अब इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं धीरे धीरे सारी किताबें पढ़ लूंगी।
खुशी सुझवाई। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया और तुम्हारे लिए किताबें ला पाया। की औलाद ना होता ना तो तुझे ऐसी सजा देती कि 7 जन्म तक किताबें देखकर तेरी रूह दहल जाती। ये तेरी पहली गलती है और याद रख आखिरी भी होनी चाहिए। यहां मेरी मर्जी के बगैर लोग दुआएं नहीं पढ़ते। किताबें तो दूर की बात है। पढ़ाई करने का तुझे बहुत शौक है ना? पढ़ नहीं थे। क्या हुआ, अक्षर दिखाई नहीं दे रहे? अब हमारी मुसु बेबी कैसे पढ़ाई करेगी? किताबों को घोट के पीने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो एक काम कर, इन जली हुई किताबों की राख को घोट कर पी जा। तुझे पका पकाया ज्ञान भी मिल जाएगा और तेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी।